शुभ मंगल सावधान एक 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी है, फिल्म है जो आर एस प्रशंसा द्वारा निर्देशित और कृषिका लुल्ला और आनंद एल रॉय द्वारा निर्मित है। आयुष्मान खुराना और भूमि पन्नेकर अभिनीत यह निर्देशक की अपनी तमिल फिल्म कल्याण समियाल सादम 2013 की रिमेक है। 1 सितंबर 2017 को रिलीज फिल्म उदित शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी होने वाली है और वह अपनी मंगेतर और परिवार के साथ स्तंभन से कैसे निपटता है। फिल्म का निर्देशक आर एस प्रसन्ना ने किया, द्वारा लिखित हितेश केवलिया कहानी आर एस प्रसन्ना पर आधारित आर एस प्रसन्ना द्वारा कल्याण समैयाल सादम द्वारा उत्पादित कृषि का लुल्ला आनंद एल रॉय अभिनीत आयुष्मान खुराना भूमि पन्नेकर छायांकन अनुज राकेश धवन द्वारा संपादित वीना नेनान खनोलकर संगीत दिया है। गाने तनिष्क वायु के, बैकग्राउंड स्कोर रचित अरोरा का, उत्पादन कंपनियां रंग पीला प्रोडक्शन इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 1 सितंबर 2017, कार्यकारी समय 1 19 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 25 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर 64.54 करोड़। 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में शुभ मंगल सावधान को 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पहवा शामिल है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, जिसमें खुराना की मुख्य भूमिका में थे और पन्नेकर एक कैमरियो भूमिका में थे, 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। कहानी मुदित शर्मा आयुष्मान खुराना के बारे में है, जो दिल्ली में मार्केटिंग का काम करता है, और सुगंधा जोशी भूमि पन्नेकर गुड़गांव की लड़की है, जिससे मुदित को प्यार हो जाता है। स्वभाव से शर्मीले मुदित ने सुगंधा से बात करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में उसने उसे ऑनलाइन शादी का प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। जब अंत दोनों मिलते थे तो वे उत्साह महसूस करते थे और इसे अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लेते हैं। सुगंधा को प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं, यह तय करने में समय लगता है, और बाद में वह इसे अपने जीवन का पहला बड़ा निर्णय बताती है। उनके परिवारों के बीच औपचारिक विवाह प्रस्ताव का आदान प्रदान किया जाता है। जब सुगंधा के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो मुदित और सुगंधा अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, और जब वे अंतः बिस्तर पर पहुंचते हैं तो असहज दिख रहे मुदित ने घोषणा की कि उसे शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन जब वह लौटता है तो वह तैयार हो जाता है और मुख्य द्वार के लिए तैयार हो जाता है। जब चिंतित सुगंधा ने उससे योजनाओं के इस अचानक बदलाव के बारे में पूछा तो उसने बस बिस्किट की मदद से अपनी समस्या का संकेत दिया, जिससे सुगंधा को एहसास हुआ कि वह स्तंभन दोष से जूझ रहा है। मुदित और सुगंधा समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। और जब मुदित को अपनी आसन शादी की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तो वह इसे रद्द करने का फैसला करता है। तर्क अब प्यार में डूबे सुगंधा ने शादी रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह आयोजन स्थल पर उसकी और उसकी बारात का इंतजार करेगी। आखिरकार
कई रिश्तेदारों के साथ मुदित हरिद्वार के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ शादी होनी तय है। यात्रा के दौरान मुदित को लगातार किसी न किसी का फोन आता रहता है कि वह उसका शुभचिंतक है और उसकी समस्या के बारे में जानता है। जब वह हरिद्वार पहुँचता है और कॉल जारी रखता है तो सुगंधा कॉल लेती है और अज्ञात व्यक्ति को गालियां देती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि सुगंधा के पिता है। मुदित के भावी ससुर को उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, जो बताता है कि इस कारण तनाव है। शादी से एक दिन पहले सुगंधा और मुदित एक बार फिर अंतरंग होने की कोशिश करते हैं और परिवार के दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा प्रेरित किया जाता है। कुछ समय बाद जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं तो वे पाते हैं कि परिवार का हर सदस्य मदद के यह करने के बारे में उम्मीद से इंतजार कर रहा है। मुदित का कहना है कि वह प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, लेकिन सुगंधा इससे सहमत नहीं है। परिजन अब बेहद चिंतित है। जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है और परेशानियां और असहमति बढ़ाती है, मुदित परिवार सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत सुगंधा और उनके रिश्ते के लिए खड़ा होता है। वह अपने जीवन के प्यार सुगंधा के लिए खड़े होने के लिए अपनी जान की भी जोखिम में डाल देता है। वह विषाक्त मर्दानगी को अस्वीकार करता है और वे मिलकर अपनी शादी को सामान्य खिलाड़ियों की एक टीम के रूप में परिभाषित करते हैं। शादी होती है। समापन कथा में सुगंधा कहती है कि पहली रात या उनके हनीमून पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी मुदित को अभी भी स्तंभन दोष था। और फिर वे बस अपने जीवन में व्यस्त हो गए और एक दिन ऐसा हुआ जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त था। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। सुगंधा के पति मुदित के रूप में आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। मुदित की पत्नी सुगंधा शर्मा ने जोशी के रूप में भूमि पन्नेकर ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा के चाचा के रूप में ब्रजेश काला ने इस फिल्म में अभिनय किया। अजीत के रूप में संजय सिंह ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की पिता के रूप में नीरज सूद ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की माँ विमला के रूप में सीमा भार्गव ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित के पिता के रूप में चित्तरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित की माँ के रूप में सुप्रिया शुक्ला ने इस फिल्म में अभिनय किया है। अनु के रूप में अनमोल बजाज, मुदित के चाचा गबलू चाचा के रूप में राहुल चौहान, शुभकर त्रिपाठी, गिनी के रूप में अंशुल चौहान, गोपाल दत्त पशु चिकित्सक के रूप में गुलजार दस्तूर, स्कोर क्लर्क के रूप में जिमी शेरगिल, स्वयं स्थिति भूमिका में भगवान के रूप में मरणाल, पतंग उड़ाने वाले युवा के रूप में आयुष सहगल, भगवान के रूप में मेहर टो। उत्पादन। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में की गई थी। फिल्म में भूमि पन्नेकर के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका निभाने के लिए अंशुल चौहान को काम पर रखा गया था। गीत संगीत। इस फिल्म का संगीत 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ था। 2017 में इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 12 मिनट और 39 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक है। भाषा हिंदी है। लेबल इरोज म्यूजिक कल्डियो। फिल्म का संगीत तनिष बागाची और वायु ने तैयार किया है, जिन्होंने गाने के बोल भी लिखे थे। ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल और बागची द्वारा गाया गया गाना फिल्म का पहला ट्रैक रॉकेट साइया 2017 7 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। दूसरा गाना लड्डू मीका सिंह द्वारा गाया गया था और यह 21 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। इसमें 5 गाने हैं और इसे 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। सभी गाने तनिष
वायु द्वारा लिखे और संगीतबद्ध किए गए थे। इस फिल्म में 5 गीत हैं और नंबर 1 पर आते हैं रॉकेट सिंह। इस गीत को गाया रितु पाठक, ब्रजेश सांडियाल, तनिष बागची ने। 2 मिनट और 42 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है लड्डू, मीका सिंह ने इसको आवाज दी है। 3 मिनट और 30 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है कंकड़, राजा हसन सासा, तिरुपति, रजनीश, गंदा, शेखावत इस गीत में आवाज दी है। 3 मिनट और 16 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3-4 पर आता है कहना, महिला सासा तिरुपति ने इसको गाया। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है कहना, पुरुष आवाज में आयुष्मान खुराना ने इस गीत को गाया है। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 15 मिनट 42 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है। स्वागत अहमियत भरा जवाब। News18 के राजीव मंसद ने प्रमुख जोड़ी आयुष्मान खुराना और भूमि पन्नेकर के प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह कहकर अपनी समीक्षा समाप्त की कि शुभ मंगल सावधान अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठकर खूब हंसाता है। यह साल की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक है और फिल्म को दिए 3.5 स्टार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नील सोन्स ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए। अभिनेताओं के अभिनय और फिल्म के हास्य की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म का चरमोत्कर्ष निराशाजनक रहा। इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, यह निसंदेह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है जो बॉलीवुड में हमें 2017 में दी है। सुमंगल सावधान असफल नहीं होती, यह उड़ जाती है। और फिल्म को 4 स्टार दी। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहते हुए कि शुभ मंगल सावधान की काफी सॉफ्ट तरीके से प्रस्तुत करते हैं और नायक और नायिका के अलावा अन्य पात्रों को जगह देने से इनकार करते हैं, जो एक मजेदार मनोरंजन को हो सकता था उसमें एक गड़बड़ छोड़ देता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म दी को 2.5 स्टार देते हुए कहते हैं कि कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय दिल्ली शिष्टाचार की एक कॉमेडी, एक से सिटकॉम सपाटता और एक ढीले चरमोत्कर्ष से ग्रसित है। पुरस्कार एवं नामांकन समारोह की तिथि, पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आसाम त्रुपति कहना गीत के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत 2 दिसंबर 2017 स्क्रीन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष लोकप्रिय आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय भूमि पन्नेकर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जूरी की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। 3 दिसंबर 2017 जी सिने अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक RS प्रसन्ना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला सासा तिरुपति कहना गीत के लिए मनोनीत। सर्वोत्तम लेखन हितेश केवलिया मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। 20 जनवरी 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला सासा तिरुपति कहना गीत के लिए मनोनीत। बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के आगामी पुरुष गायक मास्टर अरमान हसन गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। वर्ष के आगामी महिला गायिका रजनीगंधा शेखावत गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। 20 मार्च 2018 News18 रील मूवी अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक RS प्रसन्ना मनोनीत।
22 जून 2008 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। बेहतरीन डायलॉग के केस केवलिया जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पहवा मनोनीत। परिणाम फिल्म की व्यावसायिक सफलता बाद सुमंगल ज्यादा सावधान नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई जो समलैंगिकता पर आधारित है। मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म में एक समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 9 मई 2019 को फिल्म की थीम बताते हुए ये एक टीजर जारी किया था। फिल्म पहले 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज को 21 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो यह सुमंगल ज्यादा सावधान, इसकी सुमंगल सावधान की दूसरी कड़ी। तो सुगंधा कॉल लेती है और अज्ञात व्यक्ति को गालियां देती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि सुगंधा के पिता है। मुदित के भावी ससुर को उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, जो बताता है कि इस कारण तनाव है। शादी से एक दिन पहले सुगंधा और मुदित एक बार फिर अंतरंग होने की कोशिश करते हैं और परिवार के दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा प्रेरित किया जाता है। कुछ समय बाद जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं तो वे पाते हैं कि परिवार का हर सदस्य मदद के यह करने के बारे में उम्मीद से इंतजार कर रहा है। मुदित का कहना है कि वह प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, लेकिन सुगंधा इससे सहमत नहीं है। परिजन अब बेहद चिंतित है। जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है और परेशानियां और असहमति बढ़ाती है। मुदित परिवार सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत सुगंधा और उनके रिश्ते के लिए खड़ा होता है। वह अपने जीवन के प्यार सुगंधा के लिए खड़े होने के लिए अपनी जान की भी जोखिम में डाल देता है। वह विषाक्त मर्दानगी को अस्वीकार करता है और वे मिलकर अपनी शादी को सामान्य खिलाड़ियों की एक टीम के रूप में परिभाषित करते हैं। शादी होती है। समापन कथा में सुगंधा कहती है कि पहली रात या उनके हनीमून पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी मुदित को अभी भी स्तंभन दोष था। और फिर वे बस अपने जीवन में व्यस्त हो गए और एक दिन ऐसा हुआ जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त था। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। सुगंधा के पति मुदित के रूप में आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। मुदित की पत्नी सुगंधा शर्मा अनी जोशी के रूप में भूमि पन्नेकर ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा के चाचा के रूप में ब्रजेश काला ने इस फिल्म में अभिनय किया। अजीत के रूप में संजय सिंह ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की पिता के रूप में नीरज सूद ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की माँ विमला के रूप में सीमा भार्गव ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित के पिता के रूप में चित्तरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित की माँ के रूप में सुप्रिया शुक्ला ने इस फिल्म में अभिनय किया है। अनु के रूप में अनमोल बजाज। मुदित के चाचा गबलू चाचा के रूप में राहुल चौहान। शुभकर त्रिपाठी। गिनी के रूप में अंशुल चौहान। गोपाल दत्त पशु चिकित्सक के रूप में गुलजार दस्तूर। स्कोर क्लर्क के रूप में जिमी शेरगिल स्वयं स्थिति भूमिका में। भगवान के रूप में मरणाल। पतंग उड़ाने वाले युवा के रूप में आयुष सहगल। भगवान के रूप में मेहर टो। उत्पादन फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में की गई थी। फिल्म में भूमि पन्नेकर के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका निभाने के लिए अंशुल चौहान को काम पर रखा गया था। गीत संगीत इस फिल्म का संगीत 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ था। 2017 में इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 12 मिनट और 39 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक है। भाषा हिंदी है। लेबल इरोज म्यूजिक कल्डियो।
फिल्म का संगीत तनिष्क बागाची और वायु ने तैयार किया है, जिन्होंने गाने के बोल भी लिखे थे। ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल और बागची द्वारा गाया गया गाना फिल्म का पहला ट्रैक रॉकेट साइया 2017 7 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। दूसरा गाना लड्डू मीका सिंह द्वारा गाया गया था और यह 21 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। इसमें 5 गाने हैं और इसे 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। सभी गाने तनिष्क वायु द्वारा लिखे और संगीतबद्ध किए गए थे। इस फिल्म में 5 गीत हैं और नंबर 1 पर आते हैं रॉकेट सिंह। इस गीत को गाया ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल, तनिष्क बागची ने। 2 मिनट और 42 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है लड्डू मीका सिंह ने इसको आवाज दी है। 3 मिनट और 38 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है कंकड़ राजा हसन सासा तिरुपति रजनीश गंधा शेखावत इस गीत में आवाज दी है। 3 मिनट और 16 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3-4 पर आता है कहना महिला सासा तिरुपति ने इसको गाया। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है कहना पुरुष आवाज में आयुष्मान खुराना ने इस गीत को गाया है। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 15 मिनट 42 सेकंड का यह पूरा सॉन्ग ट्रैक है। स्वागत अहमियत भरा जवाब। न्यूज 18 के राज्य मंसद ने प्रमुख जोड़ी आयुष्मान खुराना और भूमि पन्नेकर के प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह कहकर अपनी समीक्षा समाप्त की कि शुभ मंगल सावधान अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठकर खूब हंसाता है। यह साल की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक है और फिल्म को दिए 3.5 स्टार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नील सोन्स ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया। अभिनेताओं के अभिनय और फिल्म के हास्य की प्रशंसा की लेकिन फिल्म का चरमोत्कर्ष निराशाजनक रहा। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, यह निसंदेह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है जो बॉलीवुड में हमें 2017 में दी है। सुमंगल सावधान असफल नहीं होती, यह उड़ जाती है और फिल्म को 4 स्टार दी। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहते हुए कि शुभ मंगल सावधान की काफी सॉफ्ट तरीके से प्रस्तुत करते हैं और नायक और नायिका के अलावा अन्य पात्रों को जगह देने से इनकार करते हैं, जो एक मजेदार मनोरंजन को हो सकता था उसमें एक गड़बड़ छोड़ देता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म दी को 2.5 स्टार देते यह कहते हुए देते हुए कहते हैं कि कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय दिल्ली शिष्टाचार की एक कॉमेडी, एक से सिटकॉम सपाटता और एक डिलेचर मुत्कर्ष से ग्रसित है। पुरस्कार एवं नामांकन समारोह की तिथि पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आसाम त्रुपति कहना गीत के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत 2 दिसंबर 2017 स्क्रीन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष लोकप्रिय आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय भूमि पन्नेकर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जूरी की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। 3 दिसंबर 2017 जी सिने अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक RS प्रसन्ना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला सासा तिरुपति कहना गीत के लिए मनोनीत। सर्वोत्तम लेखन हितेश केवलिया मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। 20 जनवरी 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला
सरस्वती गाना ईद के लिए मनोनीत तो बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के आगामी पुरुष गायक मास्टर अरमान हसन गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। वर्ष के आगामी महिला गायिका रजनीगंधा शेखावत गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शुभ मंगल सावधान मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। 20 मार्च 2018 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव भावा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर एस प्रसन्ना मनोनीत। 22 जून 2018 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पहवा मनोनीत। परिणाम फिल्म की व्यावसायिक सफलता बाद शुभ मंगल ज्यादा सावधान नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई जो समलैंगिकता पर आधारित है। मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म में एक समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 9 मई 2019 को फिल्म की थीम बताते हुए ये एक टीजर जारी किया था। फिल्म पहले 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज को 21 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो यह शुभ मंगल ज्यादा सावधान इसकी शुभ मंगल सावधान की दूसरी कड़ी। तो सुगंधा कॉल लेती है और अज्ञात व्यक्ति को गालियां देती है लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि सुगंधा के पिता हैं। मुदित के भावी ससुर को उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं जो बताता है कि इस कारण तनाव है। शादी से एक दिन पहले सुगंधा और मुदित एक बार फिर अंतरंग होने की कोशिश करते हैं और परिवार के दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा प्रेरित किया जाता है। कुछ समय बाद जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं तो वे पाते हैं कि परिवार का हर सदस्य मदद के यह करने के बारे में उम्मीद से इंतजार कर रहा है। मुदित का कहना है कि वह प्रदर्शन करने में कामयाब रहे लेकिन सुगंधा इससे सहमत नहीं है। परिजन अब बेहद चिंतित है। जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है और परेशानियां और असहमति बढ़ाती है। मुदित परिवार सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत सुगंधा और उनके रिश्ते के लिए खड़ा होता है। वह अपने जीवन के प्यार सुगंधा के लिए खड़े होने के लिए अपनी जान की भी जोखिम में डाल देता है। वह विषाक्त मर्दानगी को अस्वीकार करता है और वे मिलकर अपनी शादी को सामान्य खिलाड़ियों की एक टीम के रूप में परिभाषित करते हैं। शादी होती है। समापन कथा में सुगंधा कहती है कि पहली रात या उनके हनीमून पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी मुदित को अभी भी स्तंभन दोष था और फिर वे बस अपने जीवन में व्यस्त हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त था। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। सुगंधा के पति मुदित के रूप में आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। मुदित की पत्नी सुगंधा शर्मा अनी जोशी के रूप में भूमि पन्नेकर ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा के चाचा के रूप में ब्रजेश काला ने इस फिल्म में अभिनय किया। अजीत के रूप में संजय सिंह ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की पिता के रूप में नीरज सूद ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की माँ विमला के रूप में सीमा भार्गव ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित के पिता के रूप में चित्तरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित की माँ के रूप में सुप्रिया शुक्ला ने इस फिल्म में अभिनय किया है। अनु के रूप में अनमोल बजाज। मुदित के चाचा गबलू चाचा के रूप में राहुल चौहान। शुभकर त्रिपाठी गिनी के रूप में अंशुल चौहान। गोपाल दत्त पशु चिकित्सक के रूप में गुलजार दस्तूर।
स्कोर कलर के रूप में जिमी शेरगिल स्वयं स्थिति भूमिका में भगवान के रूप में, मरनाल पतंग उड़ाने वाले युवा के रूप में आयुष सहगल, भगवान के रूप में मेहर टो। उत्पादन, फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में की गई थी। फिल्म में भूमि पन्नेकर के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका निभाने के लिए अंशुल चौहान को काम पर रखा गया था। गीत संगीत, इस फिल्म का संगीत 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ था। 2017 में इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 12 मिनट और 39 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक है। भाषा हिंदी है। लेबल इरोज म्यूजिक कल्डियो। फिल्म का संगीत तनिष बागाची और वायु ने तैयार किया है, जिन्होंने गाने के बोल भी लिखे थे। ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल और बागची द्वारा गाया गया गाना फिल्म का पहला ट्रैक रॉकेट साइया 2017 7 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। दूसरा गाना लड्डू मीका सिंह द्वारा गाया गया था और यह 21 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। इसमें 5 गाने हैं और इसे 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। सभी गाने तनिषा वायु द्वारा लिखे और संगीतबद्ध किए गए थे। इस फिल्म में 5 गीत हैं और नंबर 1 पर आते हैं रॉकेट सिंह। इस गीत को गाया ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल, तनिष बागची ने। 2 मिनट और 42 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है लड्डू, मीका सिंह ने इसको आवाज दी है। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है कंकड़, राजा हसन सासा, तिरुपति, रजनीश, गंदा, शेखावत इस गीत में आवाज दी है। 3 मिनट और 16 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3-4 पर आता है कहना, महिला सासा तिरुपति ने इसको गाया। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है कहना पुरुष, आवाज में आयुष्मान खुराना ने इस गीत को गाया है। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 15 मिनट 42 सेकंड का यह पूरा सॉन्ग ट्रैक है। स्वागत, अहमियत भरा जवाब। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने प्रमुख जोड़ी आयुष्मान खुराना और भूमि पन्नेकर के प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह कहकर अपनी समीक्षा समाप्त की कि शुभ मंगल सावधान अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठकर खूब हंसाता है। यह साल की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक है और फिल्म को दिए 3.5 स्टार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नील सोन्स ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया। अभिनेताओं के अभिनय और फिल्म के हास्य की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म का चरमोत्कर्ष निराशाजनक रहा। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, यह निसंदेह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है जो बॉलीवुड में हमें 2017 में दी है। सुमंगल सावधान असफल नहीं होती, यह उड़ जाती है। और फिल्म को 4 स्टार दी। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहते हुए कि प्रसन्न शुभ मंगल सावधान की काफी सॉफ्ट तरीके से प्रस्तुत करते हैं और नायक और नायिका के अलावा अन्य पात्रों को जगह देने से इनकार करते हैं, जो एक मजेदार मनोरंजन को हो सकता था उसमें एक गड़बड़ छोड़ देता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म दी को 2.5 स्टार देते हुए कहते हैं कि कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय दिल्ली शिष्टाचार की एक कॉमेडी, एक से सिटकॉम सपाटता और एक ढीले चरमोत्कर्ष से ग्रसित है। पुरस्कार एवं नामांकन समारोह की तिथि, पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आशा त्रुपति कान्हा गीत के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत 2 दिसंबर 2017 स्क्रीन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष लोकप्रिय आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय भूमि पन्नेकर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जूरी की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। 3 दिसंबर 2017 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक RS प्रसन्ना मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आशा तिरुपति कहना गीत के लिए मनोनीत, सर्वोत्तम लेखन हितेश केवलिया मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। 20 जनवरी 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला सासा तिरुपति कहना गीत के लिए मनोनीत, बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के आगामी पुरुष गायक मास्टर अरमान हसन गीत कंकड़ के लिए मनोनीत, वर्ष के आगामी महिला गायिका रजनीगंधा शेखावत गीत कंकड़ के लिए मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शुभ मंगल सावधान मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। 20 मार्च 2018 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत, सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक RS प्रसन्ना मनोनीत। 22 जून 2018 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत, सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। परिणाम फिल्म की व्यावसायिक सफलता बाद शुभ मंगल ज्यादा सावधान नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई जो समलैंगिकता पर आधारित है। मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म में एक समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 9 मई 2019 को फिल्म की थीम बताते हुए ये एक टीजर जारी किया था। फिल्म पहले 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज को 21 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो यह शुभ मंगल ज्यादा सावधान, इसकी शुभ मंगल सावधान की दूसरी कड़ी है। तो सुगंधा कॉल लेती है और अज्ञात व्यक्ति को गालियां देती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि सुगंधा के पिता है। नवोदित के भावी ससुर को उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, जो बताता है कि इस कारण तनाव है। शादी से एक दिन पहले सुगंधा और मुदित एक बार फिर अंतरंग होने की कोशिश करते हैं और परिवार के दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा प्रेरित किया जाता है। कुछ समय बाद जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं तो वे पाते हैं कि परिवार का हर सदस्य मदद के यह करने के बारे में उम्मीद से इंतजार कर रहा है। मुदित का कहना है कि वह प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, लेकिन सुगंधा इससे सहमत नहीं है। परिजन अब बेहद चिंतित है। जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है और परेशानियां और असहमति बढ़ाती है। मुदित परिवार सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत सुगंधा और उनके रिश्ते के लिए खड़ा होता है। वह अपने जीवन के प्यार सुगंधा के लिए खड़े होने के लिए अपनी जान की भी जोखिम में डाल देता है। वह विषाक्त मर्दानगी को अस्वीकार करता है और वे मिलकर अपनी शादी को सामान्य खिलाड़ियों की एक टीम के रूप में परिभाषित करते हैं। शादी होती है। समापन कथा में सुगंधा कहती है कि पहली रात या उनके हनीमून पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी मुदित को अभी भी स्तंभन दोष था, और फिर वे बस अपने जीवन में व्यस्त हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त था। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। सुगंधा के पति मुदित के रूप में आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। मुदित की पत्नी सुगंधा शर्मा अनी जोशी के रूप में भूमि पन्नेकर ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा के चाचा के रूप में ब्रजेश काला ने इस फिल्म में अभिनय किया। अजीत के रूप में संजय सिंह ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा के
पिता के रूप में नीरज सूद ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सुगंधा की माँ विमला के रूप में सीमा भार्गव ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित के पिता के रूप में चित्तरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म में अभिनय किया है। मुदित की माँ के रूप में सुप्रिया शुक्ला ने इस फिल्म में अभिनय किया है। अनु के रूप में अनमोल बजाज, मुदित के चाचा गबलू चाचा के रूप में राहुल चौहान, शुभकर फर त्रिपाठी, गिनी के रूप में अंशुल चौहान, गोपाल दत्त पशु चिकित्सक के रूप में गुलजार दस्तूर, स्कोर क्लर्क के रूप में जिमी शेरगिल, स्वयं स्थिति भूमिका में भगवान के रूप में मरणाल, पतंग उड़ाने वाले युवा के रूप में आयुष सहगल, भगवान के रूप में मेहर टो। उत्पादन, फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में की गई थी। फिल्म में भूमि पन्नेकर के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका निभाने के लिए अंशुल चौहान को काम पर रखा गया था। गीत संगीत, इस फिल्म का संगीत 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ था। 2017 में इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 12 मिनट और 39 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक है। भाषा हिंदी है। लेबल इरोज म्यूजिक कल्डियो। फिल्म का संगीत तनिष बागाची और वायु ने तैयार किया है, जिन्होंने गाने के बोल भी लिखे थे। ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल और बागची द्वारा गाया गया गाना फिल्म का पहला ट्रैक रॉकेट साइया 7 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। दूसरा गाना लड्डू मीका सिंह द्वारा गाया गया था और यह 21 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। इसमें 5 गाने हैं और इसे 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। सभी गाने तनिष वायु द्वारा लिखे और संगीतबद्ध किए गए थे। इस फिल्म में 5 गीत हैं और नंबर 1 पर आते हैं रॉकेट सिंह। इस गीत को गाया ऋतु पाठक, ब्रजेश सांडियाल, तनिष बागची ने। 2 मिनट और 42 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है लड्डू, मीका सिंह ने इसको आवाज दी है। 3 मिनट और 38 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है कंकड़, राजा हसन, सासा, तिरुपति, रजनीश, गंदा, शेखावत इस गीत में आवाज दिया। 3 मिनट और 16 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3-4 पर आता है कहना, महिला, सासा, तिरुपति ने इसको गाया। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है कहना पुरुष, आवाज में आयुष्मान खुराना ने इस गीत को गाया है। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 15 मिनट 42 सेकंड का यह पूरा सॉन्ग ट्रैक है। स्वागत, अहमियत भरा जवाब। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने प्रमुख जोड़ी आयुष्मान खुराना और भूमि पन्नेकर के प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह कहकर अपनी समीक्षा समाप्त की कि शुभ मंगल सावधान अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठकर खूब हंसाता है। यह साल की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक है और फिल्म को दिए 3.5 स्टार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नील सोन्स ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया। अभिनेताओं के अभिनय और फिल्म के हास्य की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म का चरमोत्कर्ष निराशाजनक रहा। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, यह निसंदेह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है जो बॉलीवुड में हमें 2017 में दी है। सुमंगल सावधान असफल नहीं होती, यह उड़ जाती है और फिल्म को 4 स्टार दी। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहते हुए कि प्रशंसा शुभमंगल सावधान की काफी सॉफ्ट तरीके से प्रस्तुत करते हैं और नायक और नायिका के अलावा अन्य पात्रों को जगह देने से इनकार करते हैं, जो एक मजेदार मनोरंजन को हो सकता था उसमें एक गड़बड़ छोड़ देता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने फिल्म दी को 2.5 स्टार देते यह कहते हुए
देते हुए कहते हैं कि कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय दिल्ली शिष्टाचार की एक उमड़ी एक से कौम सा सपाटता और एक डीलेचर उत्कर्ष से ग्रसित है। पुरस्कार एवं नामांकन समारोह की तिथि पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आसाम तिरुपति कान्हा गीत के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत 2 दिसंबर 2017 स्क्रीन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष लोकप्रिय आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय भूमि पन्नेकर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जूरी की पसंद आयुष्मान खुराना मनोनीत। 3 दिसंबर 2017 जी सिने अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक आर एस प्रसन्ना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आशा तिरुपति कान्हा गीत के लिए मनोनीत। सर्वोत्तम लेखन हितेश केवलिया मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। 20 जनवरी 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला सासा तिरुपति कान्हा गीत के लिए मनोनीत। बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के आगामी पुरुष गायक मास्टर अरमान हसन गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। वर्ष के आगामी महिला गायिका रजनीगंधा शेखावत गीत कंकड़ के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुमंगल सावधान मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। 20 मार्च 2018 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर एस प्रसन्ना मनोनीत। 22 जून 2018 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार बेहतरीन डायलॉग हितेश केवलिया जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पन्नेकर मनोनीत। सबसे अच्छी सहनायिका सीमा भार्गव पाहवा मनोनीत। परिणाम फिल्म की व्यावसायिक सफलता बाद सुमंगल ज्यादा सावधान नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई जो समलैंगिकता पर आधारित है। मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म में एक समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 9 मई 2019 को फिल्म की थीम बताते हुए ये एक टीजर जारी किया था। फिल्म पहले 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज को 21 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो यह सुमंगल ज्यादा सावधान इसकी सुमंगल सावधान की दूसरी कड़ी। आन खुराना आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता और गायक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अक्सर सामाजिक मानदंडों से जूझने वाले सामान्य पुरुषों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। वे कई पुरस्कारों के प्राप्त करते हैं जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी हैं शामिल हैं। वह 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया और सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दिए और टाइम्स ने उन्हें 2020 में दुनिया की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। जन्म निशांत खुराना 14 सितंबर 1984 चंडीगढ़ भारत। व्यवसाय अभिनेता गायक सक्रिय वर्ष 2000 और वर्तमान काम करता पूरी सूची। जीवन साथी ताहिर का कश्यप, बच्चे 2, रिश्तेदार अपार शक्ति खुराना भाई। पूरी सूची पुरस्कार पूरी सूची। खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने 2012 की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर में अपनी फिल्म से शुरुआत की।
जिसमें एक शुकन दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प प्रदान पर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिला। एक संपुष्टिक असफलता के बाद उन्होंने वैसे गंभीर रूप से दम लगा के हिशाम में अभिनय किया। खुराना ने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खुद को स्थापित किया, जिनमें कॉमेडी ड्रामा बरेली की बर्फी, शुभमंगल सावधान, बधाई और ड्रीम गर्ल्स, बाला और अंधाधुन और क्राइम ड्रामा आर्टिकल 15। अंधाधुन में एक अंधे पियानो वादक और आर्टिकल 15 में एक वादर पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिलाया। उन्होंने पूर्व में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 2020 में उन्होंने अपने अभिनय किया शुभमंगल ज्यादा सावधान, जो खुले तौर पर फिल्मलोगिन पात्रों से नेतृत्व करने वाली पहली मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्म थी। सकारात्मक समीक्षा मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर स्लोप रही कई फिल्मों के बाद खुराना ने जीता है सीक्वल ड्रीम गर्ल्स 2 में वैश्विक सफलता मिली। अपनी अभिनय भूमिकाओं के अलावा खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गाना भी गाया। उनके गीत पानी दा रंग, जिसमें उन्होंने गाया और सह संगीत बद रहे, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुष्पाश गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। खुराना प्रमुख प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खुराना का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 17 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में पूनम पी खुराना के घर हुआ था। निशांत खुराना जब वे 3 साल के थे तो उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया और गुरु नानक खालसा कॉलेज में हिस्सा दिलाया। उन्होंने सेंट जॉनस हाई स्कूल चंडीगढ़ और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और पंजाब विश्वविद्यालय ऑफ स्कूल कम्युनिकेशन स्टडीज में मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 5 साल गंभीर थिएटर किया और अपने कॉलेज के दिनों गेटी थिएटर शिमला के में कई नाटक किए। उन्होंने DAV कॉलेज के आगाज और मंत्र स्थापक सदस्य भी थे, जो चंडीगढ़ सक्रिय थिएटर समूह है। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों की कल्पना में उनके लिए भी किया और मूड इंडिगो, OAS और सेंट बेट्स शिमला जैसे राष्ट्र कॉलेज समारोह में पुरस्कार जीते। उन्होंने धर्म भी भारती में अंधा युग और अश्वत्थामा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आजीविका 2004 से 2011 पात्रिका में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहली नौकरी BFM रेडियो दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तिवत्व में गई थी। उन्होंने बिग चाय मान न मान में तेरा आयुष्मान शो की मेजबानी की और उन्होंने 2007 में यंग अचीवर्स अवार्ड भी जीता। वह नई दिल्ली के बाद निर्माण पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कई अन्य MTV शो, MTV फुल्ली, फालतू मूवीज, कदे इंडिया और जादू एक बार भी काम किया। इसके बाद वह कलर्स TV में वह प्रभिता आधारित रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के साथ टेलीविजन होस्ट बन गए, जिसमें उन्होंने निखिल चिंपा और स्टारडक्स के साथ सह एंकरिंग में, जिसे भारतीय TV उद्योग में नवीनतम अपडेट था। MTV पर फिर के हादसे का तड़का। वर्ष के अंत में स्टार प्लस पर गाने रियलिटी शो म्यूजिक का मां मुकाबला के एंकर थे। MTV रॉक ऑन की दूसरे सीजन और कलर्स वे इंडियन गॉट टैलेंट की मेजबानी के अलावा वे गौरव कपूर और समीर कौशल के अंगद बेदी के साथ सेट मैक्स इंडियन इनिंग्स T20 के एंकरिंग टीम में हिस्सा थे। और जिसके बाद उन्होंने स्टार प्लस का नृत्य आधारित रियलिटी शो जस्ट डांस के एंकरिंग का प्रस्ताव स्वीकार किया। 2012 से 2015 खुराना ने अपने अभिनय की करियर का शुरुआत 2012 में सुजीत सरकार की रोमांटिक कॉमेडी विकी डोनर से की, जिसमें वह सह कलाकार अन्नू कपूर और नवोदित अभिनेत्री यामी गौतमी थी। अभिनेता जॉन अब्राहम की प्रोडक्शन डेब्यू को चिह्नित करते हुए जिन्होंने एक प्रचार गीत में कैमियो किया। उन्होंने खुराना ने एक शकुन दत्ता की भूमिका निभाई। तैयारी के लिए उन्होंने अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया और चिकित्सा परामर्शों में के साथ बातचीत की। फिल्म के साउंडट्रैक के लिए उन्होंने पानी दा रंग गाया और उन्होंने 2003 में रोचक कोहली के साथ लिखा और संगीतबद्ध किया।
फिल्म के मुख्य कलाकार के प्रशंसक रणदीप ने सुनकिया वर्मा ने लिखा कि खुराना एक स्पष्ट भाव और दूसरे चेहरा सुनिश्चित कर सकते हैं है, और उनकी स्ट्रीट स्मार्ट डेयरी हवा बिना काम करते हैं। 10 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 7.6 मिलियन से अधिक कमाई की। विकी डोनर एक वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में खुराना को सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2013 में खुराना ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुए। 25.8 मिलियन की अनुमानित वर्षीय आय में 70वें स्थान पर रही। इसके बाद उन्होंने कुणाल राय कपूर के साथ रोहन सिप्पी और नौटंकी में काम किया। फ्रेंचाइजी फिल्म ब्रिज अप्रिस वोस पर आधारित एक कॉमेडी। अनुपम चोपड़ा ने इसमें खुराना को सचमुच पाया, लेकिन उन्होंने लगा कि एक हास्य कम राय कपूर के हास्य कार्य की भरी पड़ी। उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक में 2 गाने भी रिकॉर्ड किए। एक साल बाद खुराना ने यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर काम किया। 3 फिल्मों के सौदा हास्य के रूप में रोमांटिक कॉमेडी बेवकूफिया, जिसमें सोनम कपूर और ऋषि कपूर सह कलाकार थे, जिसमें एक युवक के बारे में जो अपनी प्रेमिका के पिता को उनकी शादी के लिए राजी करने में परेशान होती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए एंडी वेस्टर की फ्रेंड्स ने तनावपूर्वक मनगढ़ंत हास्य को नापसंद किया, लेकिन अपना विपरीत ऋषि कपूर को रखने के लिए खुराना ने सराहना करी। नौटंकी और बेवकूफिया दोनों ही वैश्विक रूप से असफल रही। जैसा ही उनकी अगली रिलीज हवाई ज्यादा, इसमें उन्होंने वैज्ञानिक शिवकर भी पूजी तालपाड़े की भूमिका निभाई, जिनके लिए वह अपने वजन का और मराठी बोलना सीखा। उसी वर्ष खुराना ने अपनी पत्नी तारिका कश्यप के साथ में वो अपने आत्मकथा को द गॉड ना जर्नी टू द बॉलीवुड लिखी। खुराना के करियर में संभावनाएं तक बेहतर हुई और उन्होंने शरद कटरिया के रोमांस फिल्म दम लगा के आयशा में नवरंगत भूमि पेंडिकेजर के साथ अभिनय किया। यह एक कम उपलब्धि वाले व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपनी अच्छी के इच्छा के विरुद्ध अधिक वजन वाली महिला से शादी की, और यह फिल्म पहली फिल्म है जिसमें उसने कोई गाना नहीं गाया। द हिंदू में अनुज कुमार ने उनके चित्र और भाषा शारीरिक भाषा से प्रभाव ढंग में पकड़ने की प्रशंसा की। न्यूनतम प्रचार के बावजूद यह फिल्म वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। उसने अपने 140 मिलियन के बजट के मुकाबले 410 मिलियन अधिक कमाई की। 2017 से 2020 2 साल प्रेरित चोपड़ा की खराब प्रतिक्रिया वाली मेरी प्यारी बिंदु में भी नहीं करने के बाद खुराना ने करियर 2017 में उनकी 2 अन्य फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बरेली के बर्फी शिवमंगल सावधान से साथ आगे बढ़ी, जो दोनों व्यावसायिक रूप से सफल रही। निकोलस ब्रेड ने फ्रांसी उपन्यास दे इंडिग्रेनिट ऑफ लव से एनिकोलेट पोर्स ने राजकुमार राव कृति सनेन के साथ लेखक की भूमिका निभाई, जो एक टॉम बॉय लड़की और एक डरपोक सेल्समैन के साथ प्रेम त्रिकोण में शामिल हो जाती है। NDTV की सैबल चटर्जी ने लिखा कि खुराना एक चिन्हित प्रेमी से एक कुटिल चालाक व्यक्ति बदलने का ठोस करते हैं और अपने हितों पर किसी को ऊपर रखता नहीं। बाद में उन्होंने पंडेकर के साथ सदबन दोष पीड़ित नवविवाहित व्यक्ति की भूमिका निभाई। तमिल फिल्म कल्याण रामयाम साधरम 2013 की रीमेक। खुराना को अपनी उम्मीद थी कि पुरुषों द्वारा सम्मान की जाने वाली एक मानसिक और यौन समस्याओं पर मैं हास्यपूर्ण चित्रण होगा और इस विषय में व्यापक ध्यान आकर्षित होगा। राजीव मदन ने इस बात पर ध्यान दिया और फिल्म के बिना किसी असभ्यता से कामकर्ता को कितनी अच्छी तरह से संभाला और साथ ही व्यवसायिक पसंद और कम आकर्षण के साथ निवेश करने में उनकी सराहना की। खुराना ने इसके लिए नामांकन मिला बाद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। 2018 में खुराना ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाई, जिसमें उन दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उनकी पहली भूमिका श्री राम राघवन की अंधाधुन में थी, जो तब वो राधिका आप्टे अभिनीत एक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई, जो अनिच्छा से हत्या उलझ जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश खड़ छाप दड़ा ने इसके बारे में सुनने के बाद उन्होंने इस भूमिका के लिए पैरवी की और तैयारी के लिए बाद में पियानो बजाना सीखा और नेत्रहीन पियानो वादकों के साथ बातचीत की। मिंट में मुद्दित झान झुनझुन वाला ने खुराना की तारीफ करते हुए कहा कि वह मिंट में उद्यता झुनझुन वाला कठिन प्रदर्शनों से चालाकी के साथ बेदखल किया। बिना किसी रोक टोक के प्रदर्शन को सराहना के लायक पाया। अंधाधुन ने दुनिया भर में 4.56 बिलियन कमाए, जिसमें से अधिकांश चीनी बॉक्स ऑफिस से आया, जो खुराना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज और भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने अगली बार बधाई हो में अभिनय किया, जो निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा की कॉमेडी फिल्म थी, जो एक ऐसे युवक के बारे में थी जिसके अधेड़ उम्र की गर्भवती हो जाती है। अन्ना एम एम भट्टी केटी का फर्स्ट पोस्ट ने उनके प्रदर्शन के पूरी तरह आश्वस्त करने वाला माना कि छोटी फिल्मों में काम करने वाला के लिए जहां स्टार कहानी है चुनने के लिए उनकी सराहना की। एक आश्चर्यजनक ब्लॉकबस्टर में दुनिया भर ने 221 बिलियन से अधिक कमाई की। अंधाधुन के लिए खुराना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। खुराना ने 2019 की रिलीज आर्टिकल 2015 और ड्रीम गर्ल और बाला में किसा बड़ी सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की श्रृंखला जारी रही। उनका पहला अनुभव सिन्हा के साथ निर्देशित एक क्राइम थ्रिलर थी, जिन्होंने उन्होंने के मामले में सुलझाने में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। भारत में चिकित्सक भेदभाव और उजागर करने वाली फिल्म 2012 की बंधु संगकार के आरोप में और 2016 की ऊना की पिटाई की घटना पर सहित घटनाओं से प्रेरित है। यह उनकी घटना के सहित है। यह उनके फिल्मी कैरियर में पहला डार्क और इंटेंस किरदार था। तक गॉर्जियन ने लिखा कि वह वेंडिंग आई एक बेहद गहन प्रदर्शन के साथ भावपूर्ण बॉलीवुड हार्ट थोप करिश्मा और संजोयत करने में उनकी सराहना की। ड्रीम गर्ल्स की उन्होंने एक कॉर्सलिंग अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई, जो एक कॉल सेंटर में काम करते समय मलाई की आवाज के बात करता है, जो अनजाने में पुरुष पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। और स्क्रॉल एन बे नंदिनी रामनाथ ने कहा कि उन्मुक्त ऊर्जा और विश्वास ने व्यक्तित्व को फिल्म में मुख्य आकर्षण माना। साल सबसे बाद में वे स्त्री निर्देशक अमर कौशिक की सौंदर्य सामाजिक मानवों में एक व्यंग था, उन्होंने जिसमें उन्होंने ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो समय पहले ही जीवन के कारण सामाजिक दबाव का सामना करता है। उस फिल्म का इस्तेमाल कई कॉन्टेक्स्ट के बारे में प्रतोप के कारण वह भूमिका निभाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लगा। उनकी दूसरी फिल्म थी कि उन्होंने ये गाना नहीं गाया। राजीव मंसद ने लिखा कि खुराना एक और गैर पसंद आने वाली हुए हारे हुए व्यक्ति के रूप में सहानुभूतिपूर्ण छवि रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब रेडोपूर्ण असुरक्षित के साथ आत्मविश्वास के मुद्दे भूमिका निभाने की बात आती है, तो उन्होंने बाजार पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने आर्टिकल 15 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फिर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता और बाला के लिए समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन प्राप्त किया। उस वर्ष वह फोर्ब्स इंडिया में फिर से दिखाई दिए गए सेलिब्रिटी 100 सूची में 350 मिलियन डॉलर वर्षीय के साथ 37 स्थान पर। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए खुराना सक्रिय रूप से एक मुख्य धारा की फिल्म की तलाश
में थे जो कामुकता के हाथ से पूर्ण तरीके से चित्रण करे। उन्होंने यह संगल ज्यादा सावधान 2020 से मिली, जिसमें उन्होंने एक सुमंगल व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसे अपने रिश्ते के आने के साथ ही परिवार के सोने में परेशानी होती है। यह पहली मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्म थी जिसका नेतृत्व खुले तौर पर सुमंगलिक पात्रों के साथ था। द इंडियन एक्सप्रेस की शोला गुप्ता ने अपने काम जाने बचाने के लिए सहकारा जितेंद्र कुमार के बारे में फिल्म में इतना अधिक महत्व दिया और खुराना का श्रेय दिया। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमा घरों बंद होने पर अच्छे प्रभावित होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अगली बार कॉमेडी ड्रामा गुलाबों सितारों में दिखा दिया, जिसका प्रदर्शन निर्देशन सरकार ने किया था सरकार ने किया था और इनके सह कलाकार अमिताभ बच्चन थे। महामारी के कारण फिल्म का प्रीमियर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के पल्लवी डे पृथुकस ने कहा कि खुराना की शारीरिक भाषा स्पष्ट रूप से गरीबी से पैदा हुई उदासी और कड़वाहट से चित्रित करती है। 2021 से वर्तमान 2021 में अभिषेक कपूर रोमांटिक कॉमेडी चंडीगढ़ करे आशिकी में बॉडी बिल्डर की भूमिका निभाई, जिसमें एक ट्रांस महिला से प्यार हो जाता है और इसके बाद वह पूर्व उत्तर भारत में अनेक सिन्हा से किससे फिर जुड़े। खुराना ने रकुलप्रीत सिंह शेफी शाह के साथ अवनीत कश्यप में मेडिकल ड्रामा डॉक्टर जी में अभिनय किया और अनुरुद्ध अय्यर के द्वारा निर्देश एंगल एंड राव प्रोडक्शन एंड एक्शन हीरो में अभिनय किया। सकारात्मक समीक्षाओं के बाद इनसे किसी भी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला। खुराना की ड्रीम गर्ल्स 2 में अभिनय किया, जो 2019 की ड्रीम गर्ल का अधिकतर स्केल है। 2023 में रिलीज हुई इसने अभिनेता के लिए एक वैश्विक पुनरुत्थान चिन्हित किया, जो 2019 के बालक की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में उभरी। व्यक्तिगत जीवन, खुराना जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता पी खुराना और ज्योतिषी विषय में लेखक थे, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई, जबकि उनकी माँ पूनम अर्थ बर्मी वंश की एक गृहिणी थी, जो उन्होंने हिंदी में एम और योग्यता प्राप्त की थी। जहाँ खुराना मुंबई अपने काम के लिए वास्तव रखते हैं, उनकी माँ परिवार में अभी भी चंडीगढ़ में रहता है और उनके भाई पार्श्वती खुराना दिल्ली में रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर एक रेडियो जॉकी है और उन्होंने 2016 में आमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल से अपनी शुरुआत करी। घर में एक साहित्य और एक माहौल खुराना ने को अपने प्रभावित किया और उन्हें लेखक अशोक रूप में अपना लिया। हम एक ब्लॉग भी चाहते हैं भी चलाते जहाँ हिंदी में लिखते हैं और उसके प्रशंसकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। खुराना ने 2010 में बचपन के दोस्त फिल्म निर्माता पत्रकार और शिक्षक तारिक कश्यप से शादी की। उनका एक बेटा और बेटी है। तारीख 2018 में स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन 2020 में कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया था। खुराना ने कठिन समय से निकालने में मदद की और निश्चितन बौद्ध धर्म में अपना विश्वास का श्रेय दिया। डिस्कोग्राफी 2016 पानी दरंग 2013 सड्डी गली सड्डी गली तू ही तू ओ हीरी ये 2014 खामा खा मिट्टी दी खुशबू 2015 दिले नदान तुर्रम खान मोह के धागे यूं ही मैं 2016 एक बारी 2017 हारिया और मोन नजम नजम कहाना 2018 बचपन आपके से मिलकर नैना दा क्या कसूर चान किशन नैना ना जुड़े 2019 इंतजार एक मुलाकात अब तेरी बारी 2020 मेरे लिए तुम काफी हो अरे प्यार कर ले 2021 के लिए सोनी है माफी 2022 ओ स्वीटी स्वीटी 2023 राता कलिया। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। तो इनकी सबसे पहली फिल्म
2021 में विक्की डोनर थी, 2019 में नौटंकी साला, 2014 में बेवकूफियां, 2015 में हवाई जादू, दम लगा कहशा, 2017 में मेरी प्यारी बिंदु, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, 2018 में अंधाधुन, बधाई दो, 2019 में अनुच्छेद 15, सपनों की रानी, बाला, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, गुलाब सुताबो, 2021 में चंडीगढ़ करी कर्याशिंग, 2022 में अनेक डॉक्टर जी एक एक्शन हीरो, 2023 में ड्रीम गर्ल्स टेलीविजन, 2004 एमटीवी वी ट्रॉली सीजन 2, 2007 कयामत, 2018 एमटीवी व्हाट्सएप दी वॉइस ऑफ इंगिस्तान, एमटीवी फुल्ली फालतू मौफा मूवी चक दे इंडिया, एमटीवी फुल्ली फालतू मूवी जादू एक बार, एमटीवी रोडीज हेल डाउन अंडर, एक थी राजकुमारी 2009, इंडिया आज गॉट टैलेंट एमटीवी के साथ रॉक ऑन छीन, 2010 इंडियन प्रीमियर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अतिरिक्त पारी T20 सीजन, इंडियन गॉट टैलेंट एमटीवी के साथ रॉक ऑन, 2011 एमटीवी ग्राउंड सिर्फ नृतक, 2014 प्रथम स्टार बॉक्स ऑफिस इंडिया पुरस्कार समारोह, 2018 25वां स्टार स्क्रीन अवार्ड। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनके पुरस्कार और नामांकनों के बारे में कि इन्होंने कितने पुरस्कार जीते। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना ने तो सबसे पहले तो भाई तो इन्होंने सबसे पहले 2011 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार जीत लिया जस्ट डांस के लिए। 2012 में इन्होंने कुंपिस फन एंड फिनिस अवार्ड स्टार परिवार और जेक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर बोरबलस कॉल्ड भास्कर मूवी अवार्ड्स ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स की जस्ट डांस के लिए इन्होंने जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। 2013 में इन्होंने विक्की डोनर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, आईटीसी बॉलीवुड बेंजिन अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टारडक्स अवार्ड, रेनर्ड स्टार गिल्ड्स अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड, बॉलीवुड हंगामा, सिर्फ एक्स की चॉइस मूवी अवार्ड्स जीत लिया, नॉमिनेट जीत लिया। अब 2018 में शुभ मंगल ज्यादा सौदन स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, नामांकित। 2018 में 19 में अंधाधुन, जी सिने अवार्ड्स, फिल्म फेयर पुरस्कार, न्यूज 18 रियल मूवी अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया, नामांकित। 2019 अंधाधुन, BHI एशियाई ऑनलाइन अवार्ड्स, एज श्वेन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स, नामांकित जीत लिया। तो दोस्तों जिम्मी जिम्मी शेरगिल, जन्म जिस शेरगिल, 3 सितंबर 1970, जिन्हें जिमी शेरगिल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं। शेरगिल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड, एक PCCT पंजाबी फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन शामिल है। जन्म जसजीत सिंह गिल, 3 दिसंबर 1970, उम्र 55, पंजाब भारत, अन्य नाम जिमी शेरगिल, शिक्षा पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांसिस कॉलेज, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, व्यावसायिक अभिनेता निर्माता, सक्रिय वर्ष 1996, वर्तमान जीवन साथी प्रियंका पुरी, बच्चे एक। शेरगिल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1956 की थ्रिलर माचिस से की थी। उनकी सफलता
ब्लॉकबस्टर म्यूजिक रोमांटिक मोहब्बतें से मिली जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिनमें अन्य कई बॉक्स ऑफिस सेट फिल्म अभिनय किया, जिनमें शामिल मेरे यार की शादी है, मुन्ना भाई MBBS, तुम तो, ए वन डे, साहब, बीबी और गैंगस्टर, तन वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु स्पेशल, 26 साहेब, बीबी और गैंगस्टर रिटर्न, हैप्पी भाग जाएगी और दे दे प्यार दे। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ड्रामा है लगो रहो मुन्ना भाई, माई नेम इज खान, और रोमांटिक कॉमेडी तुम तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ अन्य भी रोमांचक रैंक पर हैं। सभी समय से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। शेरगिल ने 2005 में यारा नाल बहराना पंजाबी डेब्यू किया। पंजाबी सिनेमा के लेखे नाम में मेल करता रब्बा, धरती, आ गए मुंडे, यूके दे, शरीक, दादा पानी, उन्हें मेल करेड़ाबा रब्बा की श्रेष्ठ अभिनेता का PTCP पुरस्कार जीता। अभिनेता के लिए कई पंजाबी फिल्मों का भी निर्माण किया। प्रारंभिक जीवन। शेरगिल का जन्म 3 दिसंबर 1973 को पंजाबी सिख अभिजीत वर्ग के एक जाट परिवार में हुआ। उनकी मौसी से प्रसिद्ध भारतीय कलाकार अमृता शेरगिल थी। उनके कुछ वर्षों में उन्होंने सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ में अध्ययन किया और फिर 1955 में अपने पैतृक गृह राज्य पंजाब चले गए। उन्होंने पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा और बिक्रम कॉलेज पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में अध्ययन किया। उनके पहले स्नातक की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज 11 चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। एक चचेरे भाई फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मानने के बाद शेरगिल मुंबई चले गए और उन्होंने रोशन तनेजा के अभिनय कक्षाओं में भाग लिया। आजीविका। हिंदी फिल्में। शेरगिल ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1956 में पंजाब में आतंकवाद पर आधारित गुलराज द्वारा निर्देशित समीक्षाओं पर प्रशंसित फिल्म आज से ही थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उद्योग में के सभी शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने उन्हें नोटिस किया, जिसके कारण उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गजों के साथ आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में लिया गया। उन्होंने मेरे यार की शादी, दिल है तुम्हारा, हासिल जैसी कई अपनी फिल्मों में लगातार प्रशंसा हासिल की। मुन्ना भाई MBBS, यहाँ लगे रहो मुन्ना भाई, एकलव्य, एक द रॉयल गार्ड, ए वन डे, माई नेम इज खान, तनु वेड्स मनु, साहेब बीवी और गैंगस्टर, साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न, स्पेशल, 26 बुलेट, राजा फुगनी और तनु वेड्स मनु रिटर्न। उनकी उन्हें ये जिंदगी का सफर में समय की आभारती सितारा अभिषेक पटेल के साथ काम किया। उन्होंने स्टार गिल्ड पुरस्कार जीते और जीता और इससे पहले फिल्म ए वनडे के लिए सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा गिल्ड पुरस्कार के रूप में भी जीता। और पंजाबी फिल्में उन्होंने 2005 में मनमोहन सिंह की फिल्म यारा नाल बारा से पंजाबी फिल्मों में अभिनय शुरू किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कई अन्य पंजाबी फिल्में में अभिनय किया। वह वर्तमान के उद्योग में शीर्ष अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनसे कुछ हिट रही। उन्होंने रोजाना हर साल एक पंजाबी फिल्म का निर्माण और उसमें अभिनय करना है, और जिससे उन्हें बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस इरोज इंटरनेशनल के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। एक निर्माता के रूप में उन्होंने पहली फिल्म धरती 2011 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी कंपनी का अगला प्रोडक्शन टोर मित्रान दी थी, जो मई 2012 को रिलीज। उन्होंने निर्माण के लिए दो और फिल्म तैयार की, मल्टी स्टार कास्ट सर्दी लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिल, नीतू सिंह, सुरेंद्र चावला और खुद को कैमियो का कास्ट में किया, और एक फिल्म जिसका शीर्षक रंगीली, मैं उसमें नेहा धूपिया के साथ मुख्य भूमिका में रखा गया। व्यक्तिगत जीवन। शेरगिल ने 2000 और अन्य कार्य। शेरगिल ने 2001 में अपने लंबे समय की प्रेमिका प्रियंका पुरी के साथ शादी की। उनका एक बेटा है जिसका नाम वीर है। शेरगिल का उपनाम शेरगिल की वर्तमानी बदलकर शेरगिल कर लिया, क्योंकि जिसमें जिमी शेरगिल का पहला नाम है वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा था। शेरगिल ने 2013 की एक
चैरिटी फैशन शो में वंचित बच्चों के लिए साथ रैंप पर वॉक किया। 2014 में उन्होंने उत्तर भारत के बगेरों में गर्म कपड़े दान किए। शेरगिल ने केरल की पूर्णिमा में धन जुटाने वाले छः के लिए 6 घंटे का टॉलीथान में भाग लिया, जो 2018 का सबसे बड़ा भीषण बाढ़ की तबाही हो गई थी। मीडिया छवि, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक शर्मा ने कहा कि शेरगिल अभिनेता है जिन्होंने नायक बनने के लिए बजाय अपनी द्वारा निभाई गई किरदारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। द टेलीग्राफ के अग्निवीर योगी ने कहा कि जिमी शेरगिल इतने अच्छे अभिनेता है कि वह जिस भी फ्रेम में है वह अपने लाते हैं, और उनसे सह कलाकार कितना भी लोकप्रिय या अभिनवी क्यों ना हो। फास्ट पॉट में सबसे उनकी भूमिका है कि यह कहा कि और कहा कि वे अपनी भूमिकाओं के बारे में बहुत रचनात्मक होने के लिए जाने जाते हैं। एक साक्षात्कार में शेरगिल ने कहा कि उनका मानना है कि उनकी अपरांतर फिल्म पसंद में उनके पक्ष का काम किया क्योंकि दर्शक अब उन्हें अच्छी भूमिकाओं के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे उन्हें कई दिलचस्प काम भी मिलते हैं। Rediff.com ने कहा कि 2011 में अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए सूची में सातवें स्थान पर रखा शेरगिल एजीजीपी और महेंद्र विटोरो जैसे ब्रांड के उत्पादों और एक सेलिब्रिटी एम्बेसडर है, और वह पंजाब प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और पुरस्कार में नामांकन, 2013 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड एक थ्रिलर फिल्म सर्वाधिक मनोरंजक अभिनेता साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न जीत लिए। 2016 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तनु वत्स मनु रिटर्न्स मनोनीत। 2017 फिल्म फेयर पुरस्कार पंजाबी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैशाखी सूची मनोनीत। 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार पंजाबी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैशाखी सूची जिंदुआ मनोनीत, और फिल्मफेयर पुरस्कार पंजाबी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचिका जिंदुआ मनोनीत 2018 में। 2022 में इनके भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार लोकप्रिय अभिनेता ओटीटी जज साहेब मनोनीत हो गया है। 2017 में इनके अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता हैप्पी भाग जाएगी में के लिए इनको मनोनीत किया गया है। 2009 में प्रोड्यूस गिल्ड फिल्म पुरस्कार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक बुधवार जीत लिया, और 2014 में भी इन्होंने प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड पुरस्कार नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स मनोनीत हो गए हैं। 2011, 12, 14, 15, 16, 16, 18, 19 में PCBT पंजाबी फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की मेल कर दी रब्बा जीत लिया। धरती मनोनीत, रंगीले मनोनीत, आ गए मुंडे यूके दे मनोनीत, शरीका मनोनीत, जिंदुआ मनोनीत, दाना पानी मनोनीत। 2009 12, 14 और 17 स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता एक बुधवार मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ खलनायक साहेब बीबी और गैंगस्टर मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बुलेट राजा मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता हैप्पी भाग जाएगी मनोनीत। 2012 स्टारडेक्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साहेब बीबी और गैंगस्टर मनोनीत। 2012 जी सिने 2012 17 19 जी सिने अवार्ड्स नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साहेब बीबी और गैंगस्टर मनोनीत, हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैप्पी भाग जाएगी और हैप्पी फिर भाग जाएगी दोनों में मनोनीत, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुक्काबाज मनोनीत। 2008 में शिव शांताराम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता एक बुधवार जीत लिया। तो आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जिमी शेरगिल की फिल्मोग्राफी में। तो इन्होंने जिमी शेरगिल ने कई फिल्में बनाई हैं जिसमें उन्होंने 1996 में माचिस, 1999 में जहां तुम ले चलो, 2000 में मोहब्बतें, 2001 में ये जिंदगी का सफर, 2002 में मेरी यार की शादी है, दिल है तुम्हारा, दिल विल पावर वे आर और कहता है दिल बार बार, 2003 में हासिल और मुन्ना भाई MBBS, 2004 में अग्निपंख चरस और हम तुम, और 2005 में सिलो सिले, और यहाँ 2006 में इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई, प्रतीक्षा कुमार, टॉम डिक और हैरी, ये होता क्यों है,
होता लगे रहो मुन्ना भाई, बस एक पल रोजगार। 2007 में भी इन्होंने कई फिल्में बनाई, एकलव्य है, एक रॉयल गार्ड, दिल्ली हाइट्स, रॉकी, विक्टोरिया नंबर 203, छोड़ा ना यार, 10 कहानियां, अनजना अनजनी। 2008 में इन्होंने दो फिल्में बनाई, जल्दबाजी दिलवादी, एक बुधवार। 2009 में इन्होंने दो फिल्में बनाई, बैचलर पार्टी और मरेगा साला। 2010 में मेरा नाम खान है और फ्लैट, ये दो फिल्में बनाई। 2011 में तीन फिल्में बनाई, तनु वेड्स मनु, खेल, साहेब बीवी और गैंगस्टर। 2012 में इन्होंने दो ही फिल्में बनाई, खतरनाक एक्स और जूता काटना। 2013 में इन्होंने पांच फिल्में बनाई, राजनीतिक, एक्सप्रेस, विशेष, 26, साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स। साहेब बीवी और गैंगस्टर का पहला पार्ट 2011 में और दूसरा 13 में, और 2013 में उनकी बाकी फिल्म चोर दो का एक, बुलेट राजा। 2014 में इन्होंने तीन फिल्म बनाई, फगली, डर, हैशटैग दमाल, बैंग बैंग। 2015 में इन्होंने दो फिल्में बनाई, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और उवा। 2016 में इन्होंने काफ़ी सारी मूवी बनाई, जैसे शॉर्टकट सफारी, ट्रैफिक, शेर शेर गिल, मदारी, हैप्पी भाग जाएगी, हाँ, टू मच हो गया, दिल साला, सन की, महायोद्धा राम। 2014 में इन्होंने दो मूवी बनाए, शुभ मंगल सावधान और रांची डायरीज। 2018 में इन्होंने पांच मूवी बनाई, मुक्काबाज, वीर दी शादी, प्रसिद्ध, साहेब बीवी और गैंगस्टर, हैप्पी फिर भाग जाएगी। 2019 में इन्होंने कई सारी मूवी बनाई, एसपी चौहान, बंदूक पे हो गया, दे दे प्यार, ठाकुर राज का परिवार, झूठ कहा गया, और जेंटलमैन है क्या, और पी से प्यार, एफ ए फराक, पत्नी, पति पत्नी और वो। 2021 में इन्होंने एक फिल्म बनाई, कालर बम। 2022 में एक फिल्म बनाई, डबल एक्सल। 2023 में दो बनाई, ऑपरेशन मेफिया और अजान। 2024 में आरओ में कहा दम था, ये टीबी है, इसका डाक उत्पादन अभी हो रहा है। पंजाबी फिल्म 2005 में यारा नाल बहारा, 2006 में मन्नत, 2009 में दो फिल्में, 13 मेरा रिश्ता मुंडे दे यूके यूके दे मुंडे, 2010 में मेल कर दी रब्बा, 2011 में धरती, 2013 में दो फिल्में, साडे लव स्टोरी, रंगीले, 2014 में एक बनाई है, आ गए मुंडे यूके दे, 2015 में दो मूवी, हीरो नाम याद रखा और शरीफ और शरीक, और 2016 में एक वैसाखी सूची, 2017 में भी एक जिंदुआ, 2018 में भी एक दाना पानी, 2022 में भी एक शरीका दो, और 2023 में भी तू होवे मैं होवन, ये बनाई है। निर्माता 2011 धरती जिम्मी शेरगिल प्रोडक्शन के तहत, 2012 तोर मित्रांती जिम्मी शेरगिल प्रोडक्शन के तहत, 2013 साडी लव स्टोरी जिम्मी शेरगिल प्रोडक्शन के तहत, 2013 रंगीले जिम्मी शेरगिल प्रोडक्शन के तहत वेब सीरीज। क्या है इनकी इनकी वेब सीरीज 2019 में रंगबाज फिर से, भूमिका अमरपाल सिंह, टिप्पणियां सीजन 2। 2020 से वर्तमान जज साहेब, भूमिका जज बिशन खोसला, टिप्पणियां 2 सीजन। और 2022 बंदो में था दम, भूमिका कथावाचक, टिप्पणियां वृत्ति चित्र श्रृंखला। 2023 में चुनाव जो भी आने वाली है, रणनीति बालाकोट और उससे आगे होंगे, अभी टीवी टीवी और पूरा होना अभी तो यह 2023 में जो भी है, या अभी नहीं, पूरे नहीं हुए हैं, जब ये पूरे होंगे जब ये आ जाएंगे। तो अब जिमी शेरगिल जो हिंदी और पंजाबी फिल्म है दोनों के निर्माता, शेरगिल ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत 1996 थ्रिलर माचिस से की। उन्होंने सफलता ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मोहब्बतें से मिली, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी, जिसके बाद मेरे यार दी शादी, मुन्ना भाई, एमबीबीएस कई, यानी सब बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों में अभी हिट फिल्मों में अभिनय किया, हम तुम ए वनडे, तनु वेड्स मनु, स्पेशल, 26, हैप्पी भाग जाएगी और दे दे प्यार दे, उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रिलीज कॉमेडी ड्रामा के साथ आई, लगे रहो मुन्ना भाई, ड्रामा माय नेम इज खान और रोमांटिक कॉमेडी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, ये सभी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। बाद में यह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। शेरगिल ने 2005 में यारा
नाल बहारा में पंजाबी फिल्म में डेब्यू किया। पंजाबी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय नाम में मेल कर दी रब्बा 2010, धरती 2011, आ गए मुंडे यूके दे 2014, शरीक 2015 और दाना पानी 2018 शामिल है। भूमि पन्नेकर जो है एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। यशराज फिल्म्स में 6 साल तक सहायक कास्टिंग निर्देशक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने कंपनी की रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के हैया 2015 में एक अधिक वजन वाली दुल्हन के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। भूमि पन्नेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 में, यह 32 वर्ष की उम्र की है। पन्नेकर ने कॉमेडी ड्रामा टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में, शुभ मंगल सावधान 2017, सोन चिरैया 2019, बाला 2019 और पति पत्नी वो 2019 में छोटे शहर की महिलाओं की भूमिका निभाकर प्रमुखता हासिल की। सांड की आग 2019 में, स्पेटू जेनियर शार्प शूटर चंद्रो तोमर के चित्रण के लिए उन्होंने तापसी पन्नू के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों द्वारा का फिल्म फेयर पुरस्कार साझा किया। भूमि पन्नेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को बम्बे अब मुंबई में हुआ था। वह मराठी और हरियाणवी वंश की है। उनके पिता सतीश महाराष्ट्र के पूर्वग्रह और श्रम मंत्री थे और उनकी माँ सुमित्रा मुंह के कैंसर से अपने पति की मृत्यु के बाद एक तंबाकू विरोधी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जुहू के कार्य विद्या मंदिर से ली थी। 15 साल की उम्र में उनके माता पिता ने वी सिंगिंग वर्ल्ड इंटरनेशनल में अभिनय किया। अध्ययन करने के लिए उन्हें उनके उसके लिए एक अध्ययन रण लिया, लेकिन कम उपस्थिति के कारण उसे निकाल दिया गया। 1.5 साल के भीतर वह यशराज फिल्म्स में शामिल हो गई एक सहायक फिल्म निर्देशक के रूप में और रण का भुगतान किया। उसने कंपनी के साथ सोनू शर्मा के अधीन 6 साल तक काम किया। पन्नेकर ने अभिनय की शुरुआत शरद कटारिया की रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के ये 2015 से की। आयुष्मान खुराना के साथ सह अभिनीत उन्होंने संध्या के रूप में अभिनय किया, जो एक अधिक वजन वाली महिला है जो खुराने के चरित्र से शादी करती है। भूमिका की तैयारी में महिलाओं फिल्मांकन शुरू होने से पहले थोड़ा अधिक वजन होने के बावजूद पन्नेकर ने लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया। राजीव मंसद ने समीक्षा की पन्नेकर ने फिल्म को एक निश्चित मोड़ के साथ चुरा लिया। सहजता से अपने आप को संध्या की देखभाल करने के लिए बिना उसे एक नारेबाजी आत्म दयालु कैरी कैरिकेचर में कम किया के लिए बना। फिल्मांकन के बाद उसने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रक्रिया के तरीकों और सुझाव साझा किए। फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने अपना महत्वपूर्ण वजन कम किया। यह फिल्म स्पिलर हिट साबित हुई और पन्नेकर ने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उसी वर्ष पन्नेकर वाई फिल्म्स की मिनी वेब सीरीज मैंस वर्ल्ड में दिखाई दिए। लैंगिक असमानता के बारे में 4 भाग की श्रृंखला का यूट्यूब पर डिजिटल रूप से प्रीमियम किया गया था। स्क्रीन से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद पन्नेकर अक्षय कुमार के साथ सामाजिक समस्या फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में दिखाई दिए, जो ग्रामीण भारत की एक
युवा महिला की कहानी बताती है जो जोर देकर कहती है कि खुले में शौच का उन्मूलन। तस्वीर को नापसंद करने के बावजूद एनडीटीवी के सबल चटर्जी पन्नेकर की प्रशंसा की। मास आईएनजी का ताजा संबंधित कॉलेज टॉपर जो एक मिनी क्रांति के लिए प्रमुख उत्प्रेरक प्रेरक बन जाता है। दुनिया भर में 3 बिलियन US में 40 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ ही है अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। पन्नेकर ने शौचालय की सफलता का अनुसरण किया। सुमंगल सावधान 2017 के साथ एक प्रेम कथा, स्तंभन दोष एक व्यंग जिसने उन्हें खुराना के साथ फिर से जोड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि पन्नेकर एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि प्यार की तलाश में वह एक सच्ची ईमानदार से अच्छा युवा महिला के रूप में कितनी आश्वस्त हो सकती है। लेकिन इस बात से दुखी थी कि उसे टाइपकास्ट किया जा रहा था, ऐसी भूमिका में जिसने व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरने के लिए अपने 250 मिलियन 3.3 मिलियन के बजट के मुकाबले 790 मिलियन और यूएस में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की और पन्नेकर को इसके लिए नामांकित किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 की उनकी एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज 2018 में जोया अख्तर के खंड में थी, जिसमें उन्होंने एक नौकरानी की भूमिका निभाई थी जिसका उसके नियोक्ता के साथ संबंध है। एनडीटीवी के लिए लेखन रजा सेन एंथोलॉजी की 4 फिल्मों में अख्तर के खंडन को सर्वश्रेष्ठ माना और पन्नेकर को इसमें अच्छे से अच्छा पाया। अभिषेक चौबे की क्राइम ड्रामा सोन चिरैया पन्नेकर की 2019 की पहली रिलीज थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी के साथ ग्रामीण चंबल में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई। तैयारी में उसके अपने चरित्र के तौर तरीकों और चाल को चित्रित करने के लिए 2.5 महीने का शारीरिक परीक्षण किया। उसने बंदूक चलाना भी सीखा। फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने फिल्म में सूक्ष्मता और इसके प्रदर्शन की प्रशंसा की और पन्नेकर को खामोश को नारीत्व की एक अपरिहार्य भावना उधार देते हुए श्रेय दिया। उन्होंने अगली बार तुषार हीर नंदानी के में स्पेटू जेनिरियन शार्प शूटर चंद्रो तोमर के रूप में अभिनय किया कि जीवनी फिल्म सांड की आग तापसी पन्नू के साथ जिन्होंने उसकी उनकी भाभी प्रकाशी तोमर की भूमिका निभाई थी। तैयारी में पन्नू और पन्नेकर ने 2 महिलाओं के साथ समय बिताया और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया। पेस्टोथेटिक मेकअप पहनकर गर्मी में फिल्माने से उन्हें त्वचा की एलर्जी का सामना करना पड़ा। मिंट की उदिता झुनझुनवाला ने लिखा, पन्नू और पन्नेकर अद्भुत और साहसी है और उनके शरीर की भाषा और मुद्रा परिवर्तनशील होने के बावजूद अपने अंगों को गले लगाते हैं। दोनों अभिनेत्रियों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के लिए स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेडस्ट्रंग छोटे शहर की महिलाओं के अपने चित्रण को जारी रखते हुए पन्नेकर ने बाला और पति पत्नी और वो 2019 में अभिनय किया। पूर ने खुराना के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया जिसमें उन्होंने एक और गहरे रंग की महिला की भूमिका निभाई जो अपनी त्वचा के रंग के कारण पूर्वाग्रह का सामना करती है। गोरी त्वचा वाली महिलाओं को भूमिका में लेने के लिए विवाद पैदा हुआ, लेकिन पन्नेकर ने यह कहकर अपना बचाव किया कि यह अभिनेता को किसी भी भूमिका को निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पति पत्नी और इसी नाम की 1978 की फिल्म की रीमेक और कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की सह अभिनीत ने उन्हें एक गृहिणी के रूप में एक पति के साथ चित्रित किया। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि यह भूमि पन्नेकर की उत्साह वेदिका है।
जो सामग्री को एक पायदान के ऊपर उठाती हैं। भूमि के पास एक बुद्धिमत्ता है जो इस फिल्म के कुछ सबसे अजीब दृश्यों को बचाती है, खासकर चरमोत्कर्ष में दोनों बाला और पत्नी, पति पत्नी और वो व्यावसायिक रूप से ऐसा पल रहे हैं। प्रत्येक पर कमाई करने वाली 1 अरब US में 13 मिलियन दुनिया भर में। डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे अलंकर्ता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और कोंकणा सेन शर्मा की सह अभिनीत दो को 2019 में 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और बाद में सितंबर 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। स्क्रॉल की निंदिता रामनाथ में लिखा है कि अच्छा काम करने के बावजूद बन्नेकर को उनके सह कलाकार सेन शर्मा ने भारी पड़ गया था। इसके अलावा 2020 में पन्नेकर की कॉमेडी ड्रामा सुमंगल, ज्यादा सावधान और हरार फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप में संसी भूमिका आई थी। उसी वर्ष अमेजन प्राइम वीडियो दुर्गमति द मित ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। तेलुगु हरार थ्रिलर भागमती का रूपांतर था और इसमें उन्होंने एक आईएएस की अधिकारी की भूमिका निभाई थी। यह जी अशोक द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार और टी श्री द्वारा निर्मित। पन्नेकर ने राजकुमार राव के साथ बधाई दो के लिए शूटिंग पूरी कर ली है। 2018 की कॉमेडी बधाई हो की आध्यात्मिक सीक्वल है और करण जौहर की ऐतिहासिक युद्ध अवधि की फिल्म तख्त में रणवीर सिंह, विक्की कौशल, अनिल कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट और जाह्नवी कपूर के कलाकारों के साथ अभिनय करने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। मार्च 2021 में वह जौहर द्वारा निर्मित शशांक केतान की जासूसी कॉमेडी मिस्टर लेले को कौशल और के साथ शुरू करेगी कियारा आडवाणी। सार्वजनिक छवि द टेलीग्राफ की पत्रकार प्रियंका रॉय ने 2019 में लिखा था कि पन्नेकर मजबूत नैतिक फाइबर वाली महिलाओं की भूमिका निभाने में माहिर है जो ज्यादातर छोटे शहरों से आती हैं। उन्हें फोर्स इंडिया द्वारा 2018 की 30 अंडर 30 सूची में किया गया है। 2019 में पन्नेकर ने पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लाइमेट वॉरियर नाम से एक अभिनय शुरू किया। वह वेतन समानता जैसे मुद्दों के बारे में भी मुखर है और बॉलीवुड में लिंग वेतन अंतर के बारे में बात की है। इसे अपमानजनक और दिल तोड़ने वाला कहा है। 2020 में उन्होंने MTV इंडिया के साथ उनके निवेश अभियान के लिए काम किया जिसका उद्देश्य युवाओं में प्रजनन स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना। पन्नेकर को द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2019 में नंबर 40 पर और 2020 में नंबर 39 स्थान पर रखा गया। और बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की, 2015 दम लगा के है संध्या वर्मा डेब्यू फिल्म, 2017 शौचालय, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जय जोशी, सुमंगल सावधान, सुगंधा जोशी, 2018 वासना की कहानी, सुधा, जोया अख्तर का सेगमेंट, नंबर सोन चिड़िया, इंदुमती तोमर, 2019 सांड की आंख, चंद्रो तोमर, बाला, लतिका त्रिवेदी, पति पत्नी और वो वेदिका त्रिपाठी, सुमंगल, ज्यादा सावधान, देविका, विशेष उपस्थिति, 2020 भूत भाग एक, द हॉन्टेड शिप, सपना, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, काजल किट्टी, नेटफ्लिक्स फिल्म दुर्गामती, IAS चंचल सिंह चौहान दुर्गामती, अमेजन प्राइम फिल्म बधाई टू सुमी पवन, मिस्टर लेले, TBA पोन, 2022 रक्षा बंधन TBA पोन, भीड़ TBA फिल्मांकन, TBA बाक्षी, TBA फिल्म। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों की।
फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। 2016 दम लगा के है या स्टारडक्ट पुरस्कार कलका सुपरस्टार महिला जीत लिया। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स सामाजिक भूमिका में सबसे मनोरंजक अभिनेता महिला जीत लिया। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला दर्शकों की पसंद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला जूरी की पसंद मनोनीत। 2017 स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सुमंगल सावधान न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स सह कलाकार तापसी पन्नू के साथ साझा जीत लिया। सांड की आंख 2020 स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक सह कलाकार तापसी पन्नू के साथ साझा जीत लिया। जिसने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी की पसंद मनोनीत। बाला सबसे अच्छी सहनायिका जीत लिया। सोन चिड़िया मनोनीत। 2021 डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक मनोनीत। तो इस तरह जो है इन्होंने कुछ पुरस्कार जो है जीते हैं और कुछ पुरस्कारों के लिए इन्हें मनोनीत किया गया है। तो ये अब एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और फिल्मों के अंदर यह बहुत ही अच्छा अभिनय करती है। एक छोटे शहर की गृहिणी, छोटे शहर की लड़की के रूप में अभिनय करती हुई कई फिल्मों में दिखाई दी और बहुत ही अच्छा अपना इन्होंने जो है किया है, अभिनय किया है फिल्मों में। और इसमें जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा में एक बहुत ही अच्छा समाज के लिए एक संदेश जो है इन्होंने इस फिल्म के द्वारा पूरे समाज में दिया है। इनके गांव की कमजोरियों को जो है इस फिल्म में दर्शाया गया है। खुले में शौच करने का विरोध किया है और टॉयलेट के लिए जो है इस फिल्म में एक शौचालय पर जोर दिया गया है जो कि ग्रामीणों में नहीं उपलब्ध है। इस फिल्म के माध्यम से जो है बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। कृति सोनन एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वन नेकोदिन 2014 में एक तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के बाद सोनन ने शब्बीर खान की एक्शन कॉमेडी हीरोपंती 2014 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसने हिंदी में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया। सिनेमा में कहता हूँ के बाद से व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। बरेली की बर्फी 2017, लुका छुपी 2019 और मिमी 2021, हमारे 2021 और उसके सर्वाधिक कमाई करने वाली विज्ञापित अनोखा कार्रवाई रोमांस के साथ आया था। दिलवाले 2015 कॉमेडी हाउसफुल 4 2019 उसने यह भी कपड़ों में अपने खुद के लाइन का शुभारंभ किया और कई ब्रांड और उत्पादकों का समर्थन किया और में दिखाई दिया। फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटी 100 की सूची में 2019 में। कीर्ति सोनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में चार्टर्स अकाउंटेंट राहुल सोनन और दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी की प्रोफेसर गीता सोनन के घर में हुआ था।
उनका परिवार पंजाबी है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम नूपुर सोनन है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में पढ़ाई की और बाद में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। बात करते हैं इनके आजीविका की। सोनन ने 2014 में सुकुमार की तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक ने नौकादीन से एक पत्रकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की और महेश बाबू के चरित्र गौतम की प्रेम रुचि है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा कि सोनन सुंदर दिखती है और अच्छी तरह से काम करती है, जबकि सेफिया कॉम के एक समीक्षक ने कहा कि वह बहुत खूबसूरत दिखती है और एक नवांगतुम के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उस वर्ष बाद में सोनन ने डेब्यू डेट टाइगर श्रॉफ के साथ शब्बीर खान के एक्शन रोमांस हीरोपंती के माध्यम से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत था, लेकिन फिर भी यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 726 मिलियन यूएस में 9.6 मिलियन की कमाई की। तरण आदर्श का बॉलीवुड हंगामा ने लिखा कि वह एक भव्य लग रहा था और निश्चितता और विश्राम के साथ उनके हिस्से संभालती है और कि वह एक स्टार के तामझाम है, जबकि राशि मंसद वह सुंदर दिखते हैं, कायक और एक धारणा बना देते हैं और इसकी कठोर भूमिका के बावजूद इसके विपरीत द टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्जन दास ने उनकी भावनाओं की आलोचना करते हुए इसे तीक्ष्ण से अधिक आकर्षक कहा। के लिए हीरोपंती में मैं कहता हूँ जीता फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार। सोनन ने 2015 की शुरुआत अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा की क्राइम ड्रामा दो चाय में नागा चैतन्य की सह अभिनीत के रूप में की। वह अगले डाली थी रोहित शेट्टी की आशयपूर्ण कार्रवाई, रोमांस दिलवाले साथ वरुण धवन, शाहरुख खान और काजोल जो कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए से एक बना गया। सब समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों कमाई करने वाली की तुलना में अधिक 3.72 दुनिया भर में अरब मिलियन। अनुपमा चोपड़ा फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सोनन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्गों को लाना है। पूरे 2016 में स्क्रीन से एक साल की अनुपस्थिति के बाद सोनन ने निर्माता दिनेश विजन के साथ मिलकर कई फिल्मों में से पहली बार अपने निर्देशक में बनी रब्ता में काम किया, जिसमें उन्हें और सुशांत सिंह राजपूत को स्टारकास्ट प्रेमी के रूप में देखा गया जो पूर्ण जन्म लेते हैं। एक तीखी समीक्षा में Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया, लेकिन सैनन की मूर्तिकला उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया। फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों तरह से फ्लॉप रही। अश्वनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी में एक बेहतरीन जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जिद्दी ग्रामीण भारतीय महिला ने सैनन के बाद के चित्रण को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था, जिसमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फ्रांसीसी लेखक निकोलस बेरोन के उपन्यास दागा इंग्रेडिएंट्स के रूप में उनके विपरीत अभिनय किया था। प्यार का NDTV के सबल चटर्जी ने कहा कि बरेली की बर्फी को बनाने का बोझ कीर्ति सोनन पर है और वह गलत नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने सोचा कि सोनन के प्रयास के बावजूद उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता का अभाव है। इसने अपने 200 मिलियन यूएस में 2.7 मिलियन बजट में के मुकाबले 548 मिलियन यूएस में 7.3 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2018 में उनकी एकमात्र
उपस्थिति उमर कोसी की कॉमेडी हरार फिल्म स्त्री में गीत, आओ कभी हवेली पे के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष गीत की उपस्थिति थी, जिसे राज निधि मोरू और कृष्णा डी के सहयोग में विजन द्वारा निर्माण किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म भी लिखी थी। सोनन ने 2019 में विजन के साथ दो फिल्मों में काम किया, जिसमें से पहली सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मण ओटकर की हिंदी निर्देशक वाली पहली फिल्म लुका छुपी थी, जो लिव इन रिश्तों पर एक व्यंग थी, जिसमें कीर्ति कार्तिक आर्यन के साथ उनकी जोड़ी थी। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा, सोनन पूरी तरह से सहज है और ऐसा लगता है कि वह कॉमेडी में अपने पैर जमा रही है। इस प्रक्रिया में यह सब एक अच्छा समय है। एक सुपरहिट लुका छुपी के एक व्यावसायिक संचय किया 1.29 अरब US में मिलियन 17। उन्होंने रोहित जुगराज की स्कोप कॉमेडी में फिर से विजन के साथ काम किया। अर्जुन पटियाला जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य चरित्र के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो नायक की प्रेम रुचि के रूप में कार्य करता है और बाद में फरहाद सामजी की पूर्ण जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 तक कलंक के रूप एक विशेष गीत की उपस्थिति के बाद नाड़ियालवाला के साथ मिलकर काम किया, जिसमें वह एक राजकुमारी और एक संबंध लंदन स्थित व्यापारी की बेटी के सामने की दोहरी भूमिका निभाई। अक्षय कुमार जिनके साथ वह मूल रूप पर सहयोग करने के निर्धारित था, सिंह विलिंग जिस कारण से उनकी भूमिका के द्वारा भरा गया था। एमी जैकलिन के बाद वह विकल्प चुना। दिलवाले के साथ शेड्यूलिंग विरोधों के कारण बाहर, जबकि पूर्व एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। प्रतिकूल समीक्षाओं के बावजूद बाद वाला एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा। उसके फाइनल में उसी वर्ष उन्होंने चित्रित के लिए पावर्ती बाई विपरीत अर्जुन कपूर की सदाशिव राव भाव में आशुतोष गोवारिकर रो अवधि नाटक पानीपत के साथ आधार पर पानीपत की तीसरी लड़ाई है बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में समाप्त हुआ। उस वर्ष सोनन फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हुए, जिसकी अनुमानित वार्षिक आय 38 थी, 80.9 मिलियन US में 1.1 मिलियन। सोनन ने अगली बार उटेट कर के नाटक मिमी में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें शबरदी पोरो की 2011 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई वायची की रीमेक में एक सरोगेट माँ के रूप में दिखाया गया। यह फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई। तरुण आदर्श ने लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है, जिसका उद्देश्य परिवारों पर है और यह एक आदर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती रहेगी। कीर्ति सेनन बहुत ही मनोरंजक प्रदर्शन करती है। यह निश्चित रूप से उनका सबसे सफल प्रदर्शन है और निश्चित रूप से इसे हर तरह से सराहना मिलेगी। मिसेबल इंडिया सेनन ने के प्रदर्शन को उनके कैरियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहावत कहा। सेनन ने खुद को आगे बढ़ाया है वास्तव में, जैसा कि आप उनके शिल्प के साथ फिल्म को उनके कंधे पर देखते हैं। आप उन्हें अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए भी देखते हैं। मिमी सेनन का हर तरह से प्यार का श्रम है। उनकी आने वाली फिल्म सोनन की अगली फिल्म रिलीज, गुजराती फिल्म निर्माता अभिषेक जैन की पहली फिल्म हम दो हमारे दो होंगे, जिसमें राजकुमार राव भी होंगे, जिसे विजन ने भी बनाया है। वह भी सामाजी की अगली फिल्म के लिए समाप्त शूटिंग है। बच्चन पांडे जनवरी 2021 में कुमार के साथ, फरवरी के शुरू 2021 में यह घोषणा की गई कि वह के साथ पुनर्मिलन होगा।
हीरोपंती के में से कलाकार सौरभ विकास बहल की मनहूस मार्शल आर्ट एक्ट लाड़ी कृष्ण गजनीपंत और गंजा और में दिखाई देगा स्त्री निदेशक अमर कौशिक की हरार कॉमेडी बधाइयां धवन के साथ। देर से मार्च 2021 में वह भी भूमिका दी गई सीता और ओम राउत की फिल्म। सह कलाकार प्रभास और सैफ अली खान, मैं कहता हूँ कि कार्तिक आर्यन साथ रेटनिंग जाएगा। तेलुगु भाषा की फिल्म की आधिकारिक हिंदी रीमेक। आला अभिनीत अल्लू अर्जुन। कीर्ति सेन कई ब्रांडों और उत्पादकों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोसर्स है। इसमें टाइटन वॉचेस का राग संग्रह, पैराशूट, अर्बन फ्लैग अन्य शामिल है। जुलाई 2014 में सेन ने भारत के कई शहरों में टी शर्ट की केविस्टर फुटबॉल घड़ी लॉन्च की। सितंबर 2016 में सोनन ने के लिए लिया। उन्होंने 2017 में इंडियन प्रीमियम लीग के उद्घाटन के समारोह में प्रस्तुति दी। अब बात करते हैं इनकी फिल्मों की। 2014 नौका दिने समीरा तेलुगु फिल्म। हीरोपंती डिप्पी दो चाय मीरा तेलुगु फिल्म। 2015 दिलवाले सीता मलिक राबता सायरा सिंह राइबा। 2017 बरेली की बर्फी बिट्टी मिश्रा। 2018 त्रिशम आओ कभी हवेली पे गाने में विशेष उपस्थिति लुका छुपी रश्मि त्रिवेदी। कलंकी श्रम एरा गेरा गीत में विशेष उपस्थिति अर्जुन पटियाला ऋतु रंधावा। 2019 हाउसफुल 4 राजकुमारी मधु कीर्ति पानीपत पार्वती बाई पति पत्नी और वो नेहा खन्ना विशेष उपस्थिति। 2020 अंग्रेजी माध्यम स्वयं कुड़ी नू नच दे गाने में विशेष उपस्थिति मिमी मिमी राठौर। 2021 हम दो हमारे दो आनिया बच्चन पांडे माई राजपून। 2022 भेड़िया टीवी पून आदि पुरुष जानकी पूरा हुआ आदिवासी फिल्म तेलुगु और हिंदी ऐसे ज्यादा टीवी फिल्मांकन। संगीत चलचित्र 2015 चलो वहां जाते हैं अरिजीत सिंह आमल मिक्की। 2017 पास आओ अरमान मलिक प्रकृति काकरी। 2020 मुस्कुराएगा इंडिया विशाल मिश्रा। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार की। सोनन एक फिल्म फेयर पुरस्कार और दो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार एक जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार दो जीत लिए। अन्य पुरस्कार 8 और नामांकित है 7। कुल जीते गए पुरस्कार 12 और नामांकित है 7। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री तेलुगु नंबर 1 नेनोक्का दिने मनोनीत। स्टारडक्स पुरस्कार कल के सुपरस्टार महिला मनोनीत। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड सबसे मनोरंजक अभिनेता महिला जीत लिया। 2015 स्क्रीन अवार्ड सबसे महिला पदार्पण हीरोपंती मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर महिला जीत लिया। इसका स्टार स्क्रीन अवार्ड नथिंग टू हाइड वर्ड जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला लोकप्रिय बरेली की बर्फी मनोनीत। 2018 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार स्टाइल आइकन एएन जीत लिया। स्टार स्क्रीन अवार्ड स्टार प्लस बात नई अवार्ड लुका छिपी जीत लिया। 2019 फिल्म फेयर ग्लैमर्स एंड स्टाइल्स अवार्ड फिट एंड फेबुलस अवार्ड एन ए जीत लिया। 2020 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
अभिनेता महिला, लुका छुपी, मनोनीत। तो इस तरह जो है इन्होंने 7 पुरस्कार नामांकित किए गए हैं और कुल 12 पुरस्कार जो है इन्होंने जीत लिए हैं। तो इस तरह जो है इन्होंने इन पुरस्कारों को प्राप्त